हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक्नोटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये जो मॉडल है मैंने बनाया है अभी अभी, ठीक है, मोबाइल स्टैंड है जो कि आप कार में भी यूज़ कर सकते हो और ऑफिस में भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जो मोबाइल है वो कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे का जो सरफेस है वो फ्लैट है यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली ये जो कार का मोबाइल स्टैंड है वो कुछ इस तरह से है, ओके, इस तरह से आप देख सकते हो। तो ये कैसे यूज होता है वो हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मॉडल जो है वो मुझे यहां पे बनाना है, सॉलिड वर्क्स में मैं बनाऊंगा, उसके बाद 3D प्रिंट करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, आप पूरा वीडियो देखिएगा कि सॉलिड वर्क्स में कैसे मैंने ये मॉडल बनाया है और उसके बाद उसको कैसे हमने 3D प्रिंट किया है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम प्लेन सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फ्रंट प्लेन सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अप्रोक्सीमेटली एक लाइंस यहाँ पे ले लेते हैं, कुछ इस तरह से होगा। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, डायमेंशन दे देना है। सो ये होगा अराउंड 60, हाइट ले लेते हैं 80, देन यहाँ पे ये जो विड्थ है वो ले लेते हैं 20, उसके बाद ये एंगल जो है वो ले लेते हैं 60। ये सब मैंने अपने हिसाब से लिया हुआ है, आप अपने हिसाब से डायमेंशन थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ये डिस्टेंस ले लेते हैं से 45, कम है अभी, थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं, सो 55, ओके। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है उसको, ये जो पॉइंट है वो हमें इस साइड लाना है, सो यहाँ पे इसको ट्रिम कर देते हैं और फिर से दो लाइन ले लेते हैं यहाँ पे, ओके। नाउ अब क्या करना है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ये डायमेंशन लेना है। तो आपके मोबाइल की जो डेप्थ है वो अराउंड 11 to 12 mm है, तो हमें 15 mm ले लेना है यहाँ पे, और ये जो हाइट है वो भी अपने हिसाब से आप ले सकते हो। तो यहाँ पे 9 है तो मैं यहाँ पे 12 कर देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और कमांड यूज़ करना है जिसका नाम है ऑफसेट एंटिटीज़। सो यहाँ पे ऑफसेट लिया है और सभी लाइन का ऑफसेट ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 5 mm का ऑफसेट अगर लेता हूँ, ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे डायमेंशन को बढ़ाना है, तो हम यहाँ पे 35 कर देते हैं। अब देखते हैं कि ये डायमेंशन कितना रहता है इनर साइड वाला, तो 23 है, ठीक है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा। तो यहाँ पे ये डायमेंशन हम कम करते हैं 30, तो ये 18 रहेगा, चलो ये ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको एक्सट्रूड करना है, ठीक है। लेकिन एक्सट्रूड करने से पहले ये जो प्रोफाइल है वो क्लोज होनी चाहिए, तो यहाँ पे हम ये प्रोफाइल को क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब ये एक्सट्रूड होगा, तो एक्सट्रूड बॉस बेस किया हमने और 80 mm, ठीक है, ले लेते हैं और फ्लिप कर देते हैं। सो अराउंड 80 mm हमने यहाँ पे उसकी विड्थ रखी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो मॉडल है तो ये बिल्कुल इसके जैसा ही, ठीक है, किया है हमने। और यहाँ पे ये जो सेंटर है यहाँ से आप प्लग लगा सकते हो चार्जिंग के लिए, तो वो भी हमें कट करना है। तो यहाँ पे हम स्केच एंड नॉर्मल टू सिलेक्ट रेक्टेंगल, और इस तरह से हम यहाँ पे रेक्टेंगल ले लेते हैं और एक्सट्रूड कट कर देते हैं दोनों साइड। तो यहाँ पे, यहाँ पे 80 की जगह हम लेंगे 23, ओके, और अपोजिट डायरेक्शन 2 में भी हमें लेना है, चलो वो तो कोई भी रख सकते हो आप। तो इस तरह से यहाँ पे ये हो गया है, ठीक है, क्लियर है।
अब ऑलमोस्ट ये मॉडल सॉलिड वर्क्स में रेडी बन चुका है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप में। सो कंट्रोल एस करके यहाँ पे पार्ट वन की जगह हम मोबाइल स्टैंड कर देते हैं, ठीक है, और डेस्कटॉप में सेव कर देते हैं। और ये मॉडल हमने सेव किया जो कि सॉलिड वर्क्स का मॉडल है। अब हमें सेव करना है STL फाइल से, तो सेव एज यहाँ पे हमने की STL फाइल, ठीक है, एंड मोबाइल स्टैंड डेस्कटॉप पे कर रहे हैं सेव। सो यहाँ पे सेव कर दिया मैंने, ठीक है। तो यस, अब यहाँ पे मोबाइल स्टैंड का जो है वो सेव हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे इसको 3D प्रिंट करना है, तो यहाँ पे क्यूरा करके एक सॉफ्टवेयर है, वो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तरंतुला का हमारे पास 3D प्रिंटर है, तो उसमें हमने क्यूरा से हम उसमें जी कोड अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे क्यूरा सॉफ्टवेयर मैंने ओपन किया है। अब यहाँ पे क्यूरा सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन होने वाला है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हो उसका जो 3D मॉडल है वो यहाँ पे क्यूरा सॉफ्टवेयर में आ चुका है, ठीक है। और ये तरंतुला का जो बेड है उसकी साइज है, ठीक है, अराउंड 18 सेंटीमीटर है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू। तो इस तरह से हमें यहाँ पे सेट करना रहता है। अगर हमें इसको रोटेट करना है, ठीक है, इस हम प्रिंट यहाँ पे यहाँ से ही करेंगे, लेकिन अगर हमें इसको रोटेट करना है तो यहाँ से हम इसको इस तरह से रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम इसको इस तरह से ही रखेंगे क्योंकि यहाँ पे 3D प्रिंट जो है वो इस तरह से ही बढ़िया आएंगी। फिर उसको स्केलिंग कर सकते हैं, छोटा बड़ा 50, सपोज़ मुझे छोटा करना है तो यहाँ पे 50, तो ये हो गया स्केलिंग, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिनल साइज़ करनी है, हम ओरिजिनल रखेंगे यहाँ पे। उसके बाद उसको अगर मूव करना है कहीं पे भी, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड एक्सिस आप देख सकते हो, ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पे मूव हो रहा है। वर्टिकल जो है वो जेड एक्सिस है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें सब 0-0 ही लेना है, ऑलमोस्ट यहाँ पे सब हम 0-0 कंसिडर करते हैं। तो बेसिकली ये ठीक है। चलो अब यहाँ पे इसकी क्वालिटी कैसी रहेगी, ठीक है, तो उसमें लेयर हाइट, इनिशियल लेयर हाइट, ये सब ऑलमोस्ट फिक्स रहता है, बहुत इतना बहुत चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेसिकली जो स्लाइस होता है ना, वो हमें दिखाता है कि ये प्रोडक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है उसका कितना टाइम लगने वाला है। तो यहाँ पे 4 आवर 31 मिनट्स ये बता रहा है। तो अगर हम यहाँ से कुछ भी चेंज करते हैं तो वो भी चेंज होगा। सपोज़ मैंने यहाँ पे 0.2 से 0.1 किया, तो यहाँ पे 0.1 करते ही यहाँ पे स्लाइस हो रहा है और यहाँ पे बताएगा कितना आएगा, कितने आवर्स में ये कंप्लीट होगा। ओके, सो यहाँ पे ये 8 आवर्स लगा रहा है, ठीक है, तो हमें इतना भी एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं है, तो हम 0.2 ही रखेंगे। उसके बाद बाकी सारे वैसे ही रखते हैं जो है ओरिजिनली, ठीक है, उसमें बहुत चेंज नहीं करना है हमें। उसके बाद इनफिल डेंसिटी जो है वो आप 20, 25, 30 जो भी आपको रखना है वो रख सकते हो। सपोज़ मैं यहाँ पे 20 ले लेता हूँ, तो अभी ये जो 4 आवर 30 मिनट्स था वो भी कम हो जाएगा। देखो ये 4 आवर 24 यानी बहुत चेंज नहीं हुआ है, लेकिन इट्स ओके, हम इनफिल डेंसिटी 20 रख सकते हैं। फिर उस तरह से यहाँ पे बेड का टेम्परेचर, ठीक है, 70 रखते हैं। वैसे ये PLA मटेरियल है तो प्रिंटिंग टेम्परेचर 230 एंड बेड का टेम्परेचर 70 रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंटिंग स्पीड भी 60 रखेंगे, ठीक है। तो आप उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ट्रायल एरर कर सकते हो, ठीक है। और फाइनली जब मैं सेव टू फाइल करूँगा यहाँ पे, तो ये जो बोल रहा है जी कोड फाइल जनरेट होगा, ठीक है, TT मोबाइल स्टैंड का, और डेस्कटॉप में हम सेव कर रहे हैं। सो यहाँ पे सेव कर दिया हमने, तो आप देख सकते हो यहाँ पे TT मोबाइल स्टैंड जो है वो यहाँ पे सेव हो चुका है, ठीक है। अब ये जो है उसको हमें
पेन ड्राइव या तो जो भी एक्सेस रहता है, मतलब 3D प्रिंटर में जो भी एक्सेस रहता है उसमें हमें लेना है, तो हम मेमोरी कार्ड में भी ले सकते हैं और पेन ड्राइव में भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं इसको मेमोरी कार्ड में ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको मेमोरी कार्ड में ले लिया है, ठीक है। अब फ्रेंड्स ये जो प्रोसीजर है बात की, उसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो मैं लिंक आपको आई बटन पे यहाँ पे बता रहा हूँ, तो आप वो वीडियो में जाइए। और ये जो पूरी प्रोसीजर है कि 3D प्रिंट कैसे करना है, वो ये वीडियो में से आपको मिल जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।